मैं विवेक डोगरा, आप देख रहे हैं प्राइम 18 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों। टेढ़ी बगिया के मुस्लिम होटल बिस्मिल्लाह होटल पर एक ग्राहक को मामूली सी बात पर होटल मालिक ने लहूलुहान कर दिया व महिला परिवार जनों के साथ भी मारपीट की। पुलिस कार्रवाई की। डर से पीड़ित को फंसाने के लिए होटल मालिक ने खुद के सब्जी से भरे भगोने व दुकान का काफी सामान भी फेंक दिया। दरअसल मामला है शहर आगरा शहर के थाना अजमतौला टेढ़ी बगिया सोपटा रोड का। मिली जानकारी के मुताबिक ग्राम इमरान पुत्र सलीम उर्फ अशोक खान निवासी अब्बास गली सोपटा रोड टेढ़ी बगिया थाना अजमतौला आगरा होटल बिस्मिल्लाह पर 20 रुपए की सब्जी लेने गए थे, जिस पर दुकानदार बिगड़ गया और गाली गलौज करते ग्राहक के साथ मारपीट शुरू कर दी, जिससे पीड़ित इमरान का सर फूट गया व शरीर पर भी काफी चोटें आई है। घायल पीड़ित जब अपने घर गया तो परिवार जनों ने घायल अवस्था में देखा, जिससे परिवार जन शिकायत करने पहुंचे तो दुकानदार ने महिला के साथ भी मारपीट शुरू कर दी। पीड़ित परिवार ने जब कानूनी कार्रवाई की बात कही तो दुकानदार ने पीड़ित परिवार को फंसाने की मंशा से अपना खुद का सब्जी से भरा भगोना सड़क पर फेंक दिया, लेकिन ये सारा मामला कैमरे में कैद हो गया और दुकानदार की गलत मंशाओं पर पानी फिर गया। फिलहाल पुलिस ने दुकानदार पातीराम निवासी टेढ़ी बगिया मस्जिद थाना अहमदौला आगरा दुकान पर मौजूद कारीगर पूरा भूरे खान पर रईसुद्दीन निवासी उपरोक्त के खिलाफ FIR दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। आगरा से साबिर अली की।